नमस्कार दोस्तों, और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इनको घंटा दबाकर के हर खबर सबसे पहले आप तक। श्रेयस अय्यर को बिना आईपीएल खेले मिले 7 करोड़ रुपए। जैसे कि दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की 20 सीरीज में के दौरान मध्य क्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए। बाद में इलाज के दौरान पता चला कि अय्यर का कंधा डिसलोकेट हो गया है, इस वजह से आईपीएल का 14वां सीजन नहीं खेल पाएंगे। इसके बावजूद ही उनके दिल्ली कैपिटल की टीम अपने खिलाड़ियों को आईपीएल की पूरी तरह से सैलरी देगा, जो कि 7 करोड़ रुपए लगभग बनती है। इन्हें यह रकम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नियम के तहत मिलेगी। आपको बता दें कि दरअसल श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए चोटिल हो गए और इसी के वजह से सर्जरी 8 अप्रैल को होगी, लेकिन अय्यर की बीसीसीआई इंश्योरेंसिंग पॉलिसी के तहत सैलरी मिलेगी। इस नियम बीसीसीआई का सवाल यह है कि साल 2011 में लागू किया था कि नियम को लागू करने का मकसद यह है कि कोई भी खिलाड़ी किसी कारणवश चोटिल हो जाता है तो वह पूरा आईपीएल नहीं खेल पाता, उस खिलाड़ी को मुआवजा दिया जाएगा। और बीसीसीआई का कहना यह है कि नियम उन खिलाड़ियों के लिए है जो अनुबंधित गैर अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए नीति लागू नहीं होती। श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल के अहम सदस्य हैं। उन्होंने आईपीएल के 79 मैच खेले हैं जिन्होंने अपने 2200 रन बनाए हैं। अय्यर दिल्ली कैपिटल के कप्तान भी थे, लेकिन चोटिल होने के कारण आईपीएल का खिताब सीजन में बाहर हो चुके हैं। उन्होंने आईपीएल ना खेलने की युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी। ऋषभ पंत अब अपनी बल्लेबाजी के साथ भी कप्तानी का भार भी संभालेंगे। गौरतलब दिल्ली के कैपिटल्स आईपीएल पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली कैपिटल की टीम यूएई में खेले गए 13वें सीजन में फाइनल की जगह बनाई थी। फाइनल ने दिल्ली को टीम मुकाबला मुंबई इंडियंस ने हरा दिया था। फाइनल का मुकाबला दिल्ली कैपिटल की टीम बाहर हो गई और इसी के जरिए खिताब जीतने से वंचित रह गई। अगर मैं वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि मैं वीडियो को कैसी लगी।